नमस्कार, जोहार सभी साथियों को। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अब किसी भी टाइम नियोजन नीति की खबर आप लोगों को सुनने को मिल सकती है। और आप सब भी अपने स्तर से इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि सरकार के ऊपर प्रेशर है, उनको एग्ज़ामिनेशन तो कंडक्ट कराना ही है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा तो सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन डेवलप ना हो, कहीं चोरी वगैरह का कोई खबर ना मिले, पेपर लीक की खबर ना मिले। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें होती है तो सरकार की छवि उससे ख़राब होगी और परिणाम उसका चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो एक एक कदम सरकार को फूंक फूंक के रखना है। तो इस सिचुएशन का लाभ छात्रों को उठाना है, ठीक है। तैयारी को धार देना शुरू कर दीजिए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, सिर्फ झारखंड और लैंग्वेज के भरोसे नहीं बैठना है। झारखंड और लैंग्वेज, जितने भी झारखंडी छात्र हैं जो यहाँ के मूल निवासी है, ठीक है, उन सबका स्ट्रॉन्ग रहता ही रहता है। लैंग्वेज में भी पकड़ है और झारखंड में भी पकड़ है। जो आपको समय मिल रहा है उसमें जीएस को स्ट्रॉन्ग करिए, मैं लगातार इस बात को बोलता हूँ, ठीक है। अब नियोजन नीति कैसी बनने वाली है, बाहरियों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाहरियों को मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर सरकार कुछ ऐसा कर देती है जिससे बिल्कुल ही बाहरी एलिमिनेट हो जाएं, तो फिर से कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। मेरी पर्सनल अगर राय मांगी जाए तो मैं भी चाहता हूं कि मौका ना मिले। कोई भी राज्य का कोई भी छात्र चाहेगा कि उसके राज्य में बाहरियों को मौका ना मिले, ताकि उसको कंपटीशन फाइट करने में आसानी हो। अगर आप बिहार के छात्रों से पूछेंगे, वहाँ के लोकल छात्रों से, और उनकी राय ली जाएगी कि क्या आप चाहते हैं कि झारखंड के, यूपी के, एमपी के भी छात्र यहाँ फॉर्म भरें, तो जाहिर सी बात है वो भी चाहेंगे कि नहीं भरें। नहीं भरेंगे तो कंपटीशन कम रहेगा, जाहिर सी बात है ये। तो बींग अ झारखंडी मैं भी चाहता हूँ कि बाहरियों को मौका ना मिले, लेकिन संविधान है और कुछ नियम कानून है, उनको भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो उन सब विवाद में नहीं पड़ना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करना है और जीएस को भी स्ट्रॉन्ग करना है। सीजीएल अगर आपका ड्रीम है तो बहुत सीरियसली अब इस तरफ आप लोगों को लग जाना है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन जब भी हो, ये तो मान के चलिए कि इस साल एग्ज़ामिनेशन तो होना ही होना है, साथ ही साथ नियुक्ति भी होनी है। पंचायत सचिव वाला हाल इसमें नहीं होगा कि पाँच साल के लिए टल जाएगा, ठीक है। इस साल जितनी भी नियुक्तियां होनी है, जितने भी एग्ज़ामिनेशन होने हैं, बहुत तेज़ गति से होगा और सबका रिजल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी आएगा, ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी होगी। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। बहुत सारे दोस्त कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या केंद्र की वैकेंसीज़ की तरफ रुख किया जाए या झारखंड पे ही स्टिक करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए आपका मैथ्स कैसा है, आपका इंग्लिश कैसा है, ठीक है। अगर आपकी पकड़ इन सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी है तो केंद्र का भी आप लोग रुख कर सकते हैं, इसमें कोई आपको लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। झारखंड एक महीने में आप लोग आराम से कवर कर लेंगे, क्योंकि हर किसी का झारखंड पहले से पढ़ा हुआ है। लैंग्वेज वगैरह भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया है, क्योंकि ये नियुक्ति पता नहीं कब से पोस्टपोन होती हुई चली आ रही है, ठीक है। तो आप लोग उधर भी केंद्र वाले वैकेंसीज की तरफ भी देख सकते हैं, इसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस आज के सवाल के तौर पर, या फिर कुछ वीडियोस साइंस के मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। लेकिन वीडियोस नहीं लाने का ही कारण है क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं, लाइक वगैरह भी करते नहीं है, तो मैं उसको अपलोड नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि उन वीडियोस को बनाने में मेहनत भी लगता है और समय भी लगता है, ठीक है। तो अगर आप लोग का रिस्पॉन्स ठीक रहेगा तो उन वीडियोस को मैं लाऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाले हैं। ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक नहीं है तो ऐसी जानकारी आपके पास कभी नहीं पहुँच पाएंगी। तो ऐसे जितने भी छात्र हैं झारखंड के जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है कि वो स्टैंडर्ड किताबों को खरीद सके, तो आप लोग वीडियोस को उन स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, ठीक है। झारखंड के उन छात्रों तक इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि उनको घर बैठे कुछ स्टैंडर्ड कंटेंट मिल सके। जैसे कि अभी मैं आपसे अगर सवाल पूछूं शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, संविधान में जितने शेड्यूल्स हैं उसमें शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का बेसिक डिफरेंस क्या है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बता सकते हैं। शेड्यूल 5 में जाहिर सी बात है झारखंड का जिक्र होता है, ठीक है, और शेड्यूल 6 में ATM स्क्वायर, ये सब जानते हैं, लेकिन
ट्रैवल रिलेटेड बातें यहाँ की गई है, लेकिन मूल अंतर क्या है बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी जानकारी है, स्टैंडर्ड जानकारी है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, चाहे पॉलिटी हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी इन जानकारियों को आपके साथ साझा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वही गिने चुने लोग अगर देखेंगे तो फिर उन जानकारियों को मैं पेड ग्रुप तक ही सीमित रखूँगा। ठीक है, जो CGL और JPSC का मेरा बहुत कम दामों पे जो बैच चल रहा है, मैं इन जानकारी को वहाँ तक सीमित रखूँगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको सबके लिए पब्लिक किया जाए, तो बदले में मुझे भी उसके लिए कुछ चाहिए, और वो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक के थ्रू कर सकते हैं। कोशिश करिए, देखिए जिनके पास पैसा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो महंगे कोचिंग्स में जा सकते हैं, चाहे ऑनलाइन कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, उनको सारी जानकारी मिल जाएगी, वो किताबें भी खरीद सकते हैं। एक एक किताब 600-700 रुपये की आती है, तो उनके पास सारा ऑप्शन अवेलेबल है जिनके पास पैसा है। और जिनके पास नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मोबाइल। मोबाइल के थ्रू ही वो जितना चाहे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे छात्रों का हेल्प आपको भी करना चाहिए। ठीक है, तो शेयर करिए वीडियोस को उन छात्रों तक। अब मैं कोशिश करूँगा जितने भी स्टैंडर्ड कंटेंट है, कहीं भी आपको कोई यूट्यूब में कहीं इस तरह के कंटेंट नहीं मिलेंगे, मैं डायरेक्टली लक्ष्मीकांत और जो भी स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से आपको उठा करके कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। और जाते आते एक प्रश्न तो मैंने आपसे पूछा, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का मूल अंतर अगर आप लोग बता सकें तो कमेंट करके बताइएगा। जो भी बताएंगे मैं आंसर कमेंट में ही उनको बता दूंगा। एक और मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, देखिए एक दोस्त है, उन्होंने कमेंट किया था कि आज का सवाल जो आप पूछते हैं उसमें आंसर भी बता दिया करें। देखिए आंसर बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर मैं आंसर बता दूँ तो। ठीक है, इसीलिए मैं आंसर नहीं बताता हूँ, ताकि आप लोग उसको ढूंढें खुद से, आप लोग उसको सर्च करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप इसका लाभ उठा सकेंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि अब आंसर बता दिया करूँगा नेक्स्ट बार से, आज नहीं, और साथ ही साथ कुछ और भी एक्सप्लेन कर दूँ। आज का सवाल है, देखिए 1952 में देश का पहला चुनाव हुआ था, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं खास करके CGL जैसे एग्जामिनेशंस में। 1952 का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें मुख्य ओपोजिशन कौन सी पार्टी थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और, टोटल महिलाएं कितनी चुनी गई थी, पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, टोटल महिला कितनी सदस्य लोकसभा के लिए चयनित हुई थी, ये आपको बताना है। साथ ही साथ टोटल खर्च कितना आया था, 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें टोटल एक्सपेंस क्या आया था। 2014 में 3000+ करोड़, 3400 करोड़ रुपए खर्च हुए थे चुनाव के दौरान। ये 2014 का मैं फिगर आपको बताया है, पूछा जा रहा है 1952 का। ठीक है, तो 3-4 प्रश्न टोटल हो गए हैं, आप लोग उसको देखिए, रिसर्च करिए, पता है तो आंसर कमेंट करिए, नहीं पता है तो कुछ भी कमेंट करिए, मैं आंसर आपको बता दूंगा। और जो मैंने बात बोली है, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, तभी इस तरीके के वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं तो यकीनन आपको भीड़ से अलग करेगा। ये ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको यकीनन भीड़ से अलग करने वाला है। तो इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही शेयर करना अच्छी बात नहीं है, तो आप लोग भी थोड़ा एफर्ट अपने साइड से भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।